एक्सप्लोर करने वाला हूँ अपने ट्रिमर के ऊपर। ये देखिए फिलिप्स का ट्रिमर लाया था मैं, ये मुझे 2000 का पड़ा है, तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, आपको दिखाऊंगा इसमें क्या है, इसका कैसे यूज़ करते हैं इसको, और मैं अपनी दाढ़ी पर भी इस पर स्प्रेड करके दिखाऊंगा। तो इस ब्लॉग को जरूर देखना आपने, ब्लॉग थोड़ा फनी होने वाला है क्योंकि मैंने कभी ट्रिम किया नहीं अपनी दाढ़ी पर अपने खुद से, तो बाहर से बनवाता रहा हूँ अक्सर। तो यही था मेरा वीडियो बनाने बनाऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में मैं, तो वही देखना पहला मेरा एक्सपीरियंस रहेगा दाढ़ी खुद से बनाने कैसे बनाते हैं, कोई कट वट ना लग जाए, डर भी लगता है ऐसे, मैंने कभी किया नहीं है। तो भाई ब्लॉग जरूर देखना आपने, ब्लॉग देखने के चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, और वीडियो को लाइक जरूर करना है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो भाई आज का मैं टॉपिक की बात करूंगा ब्लॉगिंग के ऊपर। तो भाई ब्लॉगिंग किसे कहते हैं, मैं जब भी ब्लॉग करने बाहर शूट करने जाता हूँ तो मुझे पूछते हैं भाई सब क्या कर रहे हो, ब्लॉगिंग किसे कहते हैं, क्या होता है ब्लॉगिंग। तो मैं आपको बता दूँ ब्लॉगिंग क्या होती है। ब्लॉगिंग दोस्तों, ब्लॉगिंग कहते हैं ब्रॉडकास्ट योर सेल्फ, अपने आप को रिप्रेजेंट करना, अपने आपको कैमरा दिखाना, भाई हम लोग जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, सब लोग अपनी लाइफ दिखाना लोगों के सामने, जो लोग देखते हैं इंटरेस्ट रखते हैं वो देखते हैं, वो सब्सक्राइब भी करते हैं चैनल को। तो भाई अपना फिल्म मेकिंग करना, खुद की फिल्म बनाना, तो इसे कहते हैं ब्लॉगिंग, खुद की वीडियो बनाना, खुद की फिल्म मेकिंग करना, तो इसे कहते हैं ब्लॉगिंग करना। तो ब्लॉगिंग कल्चर बेसिकली मेरे हिसाब से तो लाया अभी मुंबई का निखिल, तो उसी के सबसे पहले मैं वीडियो देखता था जब वो बाइक राइड करता था, वो बंदा डेली वीडियो बनाता है, डेली ब्लॉगिंग करता है, मैं उसी सीखा उनसे, उसी की वीडियो देख के मैं इंस्पायर हुआ हूँ सीख सीख के, तो मुझे थोड़ा आइडिया मिला, तो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चालू की अभी उसी की वीडियो देख के। तो मैं पहले सबसे पहले ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता 2018 में, तो मुझे आइडिया नहीं था अभी मैं किसे स्टार्ट करूँगा, तो मेरे ख्याल में पहले आता गोप्रो से कैमरा स्टार्ट करूँ या किसे स्टार्ट करूँ। तो मैं पहले बाइक राइड की वीडियो बनाना चाहता था, तो पर उसमें मेरे पास कुछ आइडिया नहीं था मैं कैसे बाइक राइड कैसे वीडियो बनाऊँ। तो भाई फिर उस बंदे की वीडियो देखी मैंने, उसने बताया सारा कुछ, वीडियो में आप देखोगे तो आप पता लगेगा भी वो चीज़ों कैसे रिप्रेजेंट करता है, कैसे बताता है लोगों को, तो वही सुन के मज़ा आता है। हम तो अभी नए नए, तो मैं भी थोड़ा कैमरे के सामने थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ क्या बोलना, आप भी देख रहे हैं मेरे को, तो थोड़ा सा मैं नर्वस हो जाता हूँ अभी भी। वो बंदा पूरा फ्रेंडली है कैमरे से, दोस्त मना उसने तो फटाफट लग जाता है बोलने, तो मैं अभी इतना नहीं कर पाता हूँ। तो पहले मैं सोच रहा भी अपने हेलमेट के ऊपर गोप्रो लगाऊंगा, गोप्रो आते ही बहुत महंगा 35-40 हज़ार का गोप्रो आता है, फिर मैंने सोचा भी मोबाइल कैसे लगाऊंगा, फिर मैंने सोचा भी छोड़ो इसको, बाद में अपनी खुद की वीडियो बनाता हूँ मैं जैसे वो बंदा बनाता है। मुंबई का निकल मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि एक कनेक्शन हो जाता है हार्ट का, वो भाई अपना बड़ा भाई, उसकी वीडियो देख के मुझे अच्छा लगता है, तो उसकी वीडियो बनाना मुझे पसंद आता है, तो इसलिए वीडियो बनाता हूँ मैं। और ब्लॉगिंग के कल्चर में और बहुत लोग आते हैं, जैसे हो गया मुंबई का निखिल, हो गया मुंबई का नाम है उसका, मुंबई में रहता है उसका, मुंबई का निखिल चैनल नाम है, सर्च करके देख सकते हैं। और फ्लाइंग बीस्ट हो गया, और हो गया सौरभ जोशी ब्लॉग्स, सौरभ जोशी भाई तो भी डेली कोई ना कोई जरूर वीडियो डालता है, पूरे 8 बजे उसकी वीडियो डेली आ जाएगी, तो उसका कोई ऑफ नहीं होता है, हर टाइम उसकी वीडियो आ जाएगी आपको हर दिन में। तो बस इसीलिए तो थोड़ा मैं भी आ गया यूट्यूब पे, कि थोड़ा लोग मुझे भी जाने पहचाने, कहाँ कहाँ से लोग मिलते हैं पता लगता है भाई, तो कुछ हेटर से मिलते हैं, कुछ अच्छे लोग मिलते हैं, कुछ सब्सक्राइबर बहुत बढ़िया हो गए अपने अभी धीरे धीरे, कुछ और फैमिली बढ़िया करेंगे अच्छा नया नया धीरे धीरे लाएंगे सब कुछ। तो मैं भाई ब्लॉगिंग इसीलिए करता हूँ कि मुझे पसंद आता है करना, ठीक है, खुद की वीडियो बनाना। मैं पहले मुझे नहीं पता ब्लॉगिंग कैसे कहते हैं, मैंने मुंबई का निकल कर देखा सबसे पहले 2018 में, उसकी वीडियो देखता था मैं, बाइक लेके कहीं जा रहा है बंदा, दुबई घूम रहा है, कहीं उधर जा रहा है, तो मुझे पसंद आता है उसका ब्लॉगिंग देखना। तो मैंने सोचा भी क्यों ना हम भी कर सकते हैं, कोई लोग हमें भी देख सकते हैं, तो ब्लॉगिंग भाई इसे कहते हैं, खुद की वीडियो बनाना, ब्रॉडकास्ट योर सेल्फ, खुद की फिल्म बनाना। यहाँ पर आप कैमरामैन भी खुद ही हो, डायरेक्टर भी खुद ही हो, और हीरो भी सब कुछ आप ही हो, विलन भी आप ही हो इस फिल्म मेकिंग में। अपनी खुद ही वीडियो एडिटिंग करनी है, खुद ही बनानी है, खुद ही कैमरा शूट करना है आपने, तो लोग भी बहुत देखते हैं भी क्या कर रहा है बंदा, कहाँ से आया है, क्या ब्लॉगिंग क्या कहते हैं। अभी जहाँ पर मैं रहता हूँ लोगों को पता नहीं होता भी ब्लॉगिंग क्या होती है, तो भाई जो वीडियो देख रहा है तो पता लग जाएगा भाई ब्लॉगिंग सर्च मार के देख लेना यूट्यूब पे क्या होती है ब्लॉगिंग। सबसे पहले मुंबई का निखिल ने की थी मेरे हिसाब से, कि मैं उसको देखता हूँ मुझे पसंद आता है बंदा। फ्लाइंग बीस्ट भी भाई साहब
भाई फ्लाइंग लिस्ट भी बंदा बहुत बढ़िया है, उसकी वीडियो भी डेली आती है और सौरभ जोशी ब्लॉग की भी डेली वीडियो बनाता है। आज मैंने देखा है जिस बंदे के एक चैनल भी ग्रो हो जाता है उसका, वो उसके बाद वो एक ब्लॉगिंग चैनल भी खोल लेता है, क्योंकि दोनों चैनल ब्लॉगिंग आजकल कल्चर बहुत चल रहा है, ब्लॉगिंग के चैनल बहुत चल रहा है। तो मैंने कुछ सोचा नहीं था, बस ब्लॉगिंग चैनल बना दिया। तो कहीं सोचा कहीं जाऊँगा तो वीडियो शूट करूँगा, इसमें करना क्या, 10 मिनट की वीडियो शूट करनी है तो लोग देखेंगे, अच्छा लगेगा, अपना भी इंजॉय होगा। तो भाई कल की वीडियो में ऐसा हुआ, जब मैं कल जा रहा था, गुड़ मंडी गुड़ मार्केट है ये चौड़ा बिहार के पास है, तो जब मैं उसमें गया, एक शॉप में अंदर गया, मैं वहाँ पर रिकॉर्डिंग करी मैंने, तो सब लोग मुझे देख रहे हैं भी, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। तो मैंने आपको बताया मैंने एयरपोर्ट लेना था कान में लगाने के लिए, जो गाने सुनते हैं, तो वो लेना ब्लूटूथ वाले, तो लेना था भाई। मैंने वीडियो तो बनाई, रियलमी के उसने दो दिखाए मुझे, रियलमी के एक फेक था और एक ओरिजिनल था। जो फेक था वो था 1000 का, वो दूसरा था वो 4000 का था। तो भाई जब उसने दिखाया मुझे नहीं पसंद आया उसका रेंज, जो प्राइस बहुत हाई था। मैंने कहीं और से पूछा, वो मुझे जो 4000 का बता रहा था मुझे कहीं और से 2500 का मिल रहा था, उसी रेंज का, उसी ओरिजिनल कॉपी सब कुछ मिल रहा था मुझे। तो फिर मैंने नहीं लिया, मैंने मना कर दिया मैं नहीं लूँगा। तो बाद में बोलने लगा भाई वीडियो डिलीट कर दो, ये वाली मत बना वीडियो। मैंने बोला सर आप मुझे पहले बताते, मैं वीडियो ही शूट नहीं करता, मैं आपके सामने वीडियो सब कुछ बना रहा हूँ, मुझे ये पसंद आ रहा है वो पसंद आ रहा है। मैंने वहाँ पर गुरिल्ला पॉड भी देखा, जोबी का अलग तरह की वीडियो बनाई मैंने, उसमें बहुत कुछ दिखाया था उस वीडियो में मैंने। वो वीडियो कम से कम 7-8 मिनट की बनी थी, मैंने पूरा मार्केट घूमा था। तो जो मैंने वीडियो अपलोड की उसमें कुछ खास है नहीं, क्योंकि वीडियो जो डिलीट हो चुकी है उसमें था जो था। तो भाई साहब बोल रहे भाई ये वीडियो आप डिलीट कर दो, हमारी वीडियो है, दुकान की वीडियो है, डिलीट कर दो उसको। तो मुझे करनी पड़ी भाई साहब, जो आपकी दुकान पे आ रहा है भी उसको पहले बोल देना था अपने वीडियो में शूट मत करो, तो मैं वीडियो शूट नहीं करता, जो मुझे लेना तो मैं ले लेता। तो मैंने देखा है बहुत बंदे शूट करते हैं, पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम थी, शायद उन्होंने फेक मुझे दिखाया था और रियल मी का और ओरिजिनल दिखाया था इसलिए, या तो मैंने सामान ही लिया इसलिए। तो बस यही था थोड़ा, गुड़ मंडी का मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा इतना अच्छा नहीं रहा, तो मैंने एंडिंग भी अच्छी नहीं की, बस थोड़ा सा मैंने बताया, अभी नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा आपको मैं। तो यही था मेरा कल का ब्लॉग था, अच्छा नहीं खास गया, तो उसमें खास था भी नहीं ब्लॉग में, तो बस यही था। ऐसे लोग मिलते हैं थोड़ा मार्केट में, बंदा डीमोटिवेट हो जाता है, पर जो मैं मुंबई का निकल हुआ के देखता हूँ फिर मैं मोटिवेट हो जाता हूँ भाई करना है। तो कुछ लोग कमेंट ऐसे बड़े बड़े कर देते हैं, मन करता है ब्लॉगिंग करेंगे भाई, कुछ भी हो जाए ब्लॉगिंग शुरू करेंगे, तो दिल खुश हो जाता है। एक भाई ने कमेंट किया था जो मेरा था उसमें गोल मार्केट का ब्लॉग, तो मेरा मन खुश हो गया पढ़ के, तो मैंने भाई थैंक यू बोला भाई को। और आगे भी नए नए ब्लॉग आते रहेंगे, टेंशन लेना, कहीं भी जाएंगे वीडियो शूट करेंगे आप लोगों के लिए, निराश नहीं होने देंगे। और मुंबई के निकल को भाई देखना भाई, वो उनका चैनल बहुत बढ़िया है, वो बंदा 6-7 साल से व्लॉगिंग कर रहा है, तो उसने भी किसी और से इंस्पायर होकर वीडियो बनाई थी, मैंने देखी उसकी वीडियो माई ड्रॉ लाइफ, उसमें उस वीडियो में बताया उसने, तो मैंने उनसे इंस्पायर हुआ हूँ, तो बंदा गुड है भाई। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करना चैनल को और चैनल सब्सक्राइब करना भाई। ओके भाई भाई हमारे ऐसे ब्लॉग देखते रहना, आते रहेंगे आपके पास। ओके।